एक और चीज़ है, बड़ी अच्छी इन्होंने बात की सर्कमस्टांसिस, लेकिन वैसे बहुत सारे जो सिविलाइजेशंस हैं या बहुत सारे ममालिक हैं दुनिया के, दे डोंट रियली बिलीव इन दैट। जैसे बुद्धिस्ट मॉन्क्स जो हैं, या फिर आपके चाइना की तरफ ये कंसेप्ट है कि देर इज़ नो सर्कमस्टेंशियल बिहेवियर, कोई बिहेवियर है नहीं। जो एक इंसान है वो बेसिकली, अब ये तो हम सब इस पर एग्री करते हैं कि जो माइंड है वो टेब्यूला रासा उसको कहते हैं, विच इज़ अ क्लीन स्लेट। ठीक है, सो इट इज़ वो टर्मिनोलॉजी जो यूज़ होती है, इट्स टेब्यूला रासा। तो आपके जेनेटिक्स बहुत ज़्यादा कुछ नहीं लाए, आप आ गए, ऑब्वियसली वो कैरी तो करते हैं आपके आई कलर, आपका यू नो स्किन कलर और थिंग्स लाइक दोस हैबिट्स भी, इवन इवन सो एंड सो के कई दफ़ा मेमोरी को भी वो आगे लेके जाते हैं। लेकिन जनरली एज ए ह्यूमन आप टेब्यूला रासा के फॉर्म में आए, और फिर बहुत सी ऐसी सिविलाइजेशन जो सर्कमस्टांसिस को जीरो पे रखती हैं फॉर मेकिंग अ पर्सन, बिकॉज दे से कि ये आपका जो बुलिश आकर के अंदर पहले देखें और फिर बाहर जो है वो अप्रोच। तो अगर बाहर से अंदर देखना है तो आपको चाहिए सर्कमस्टांसिस, लेकिन अगर बुलिश आकर की तरह अंदर से बाहर देखना है तो फिर आपको सर्कमस्टांसिस नहीं चाहिए।